खबरें तो आप हर वक्त सुनते हैं, कुछ डराने वाली तो कुछ परेशान कर देने वाली। ऐसे में एक अनोखे ट्विस्ट के साथ खबरें देखिए इस वीडियो में। ज्यादातर किसी कत्ल के मामले में जुटी पुलिस को पसीना तब आता है जब कत्ल के लिए शख्स की पहचान न हो पाए, लेकिन मुजरिम अगर कोई मुर्गा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तेलंगाना में हत्या का एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पुलिस ने एक शख्स की हत्या के सिलसिले में किसी आदमी को नहीं बल्कि एक मुर्गे को अपनी कस्टडी में रख लिया है। सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन तेलंगाना में एक मुर्गे ने गलती से अपने मालिक को मार डाला। सिर्फ यही नहीं, अब इस मुर्गे को पुलिस कोर्ट में भी पेश करेगी। दरअसल मुर्गों के बीच की लड़ाई की तैयारी के दौरान मुर्गे के पैर से बंधा एक चाकू गलती से 45 वर्षीय सतीश की कमर के नीचे नोके है। इसी कारण जब उसकी अनजानी चीजें सामने आती हैं, तो दुनिया हैरान होकर देखती है। हाल ही में इंडोनेशिया से एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया है। यहाँ एक मछली ने इंसानों जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की फोटो खूब वायरल हो रही है। दरअसल एक मछुआरे ने शार्क पकड़ी, उसका पेट फाड़ने से इंसानों जैसी शार्क सामने आई। 48 वर्षीय अब्दुल्ला पेशे से एक मछुआरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसी एक मछली की फोटो शेयर की। देखते ही देखते शार्क के बच्चे की फोटो सुर्खियां बटोरने लगी। इस फोटो को देखकर सभी हैरान हो रहे हैं। ध्यान से इस तस्वीर को देखने पर आपको भी एहसास होगा कि शार्क के इस बच्चे का चेहरा बिल्कुल इंसानों के चेहरों से मेल खा रहा है। आमतौर पर टैटू बनवाने के अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं। कभी टैटू की जगह को लेकर चर्चा रहती है, तो कभी टैटू के रंग को लेकर। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक लड़की ने अपने हाथ पर लेफ्ट और राइट लिखवा लिया। ये मामला ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ कैनबरा की एक स्टूडेंट डिकोडिया ने अपने बाएं हाथ में L और दाहिने हाथ में R लिखवा लिया है। ये जानकारी उनके टैटू आर्टिस्ट लॉरेन विंजर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी। दरअसल डिकोडिया को दिशा को लेकर भ्रम बना रहता था, लेफ्ट और राइट को लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी। इसी के चलते उसने अपने हाथ में ऐसा टैटू छपवा लिया जिससे उसे लेफ्ट राइट का पता चलता रहे। न्यूज तक ब्यूरो। चैनल भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक करके ऑल घंटी बाजिए दीजिए ओके।